शिमला नगर निगम के 2 मई को होने वाले चुनाव के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने कल शिमला में एक बैठक कर चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इस बार चुनाव पार्टी चिन्ह पर होने जा रहे हैं, जिसके चलते सभी प्रत्याशियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान द्वारा जिसे भी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में उतारा जाएगा, कांग्रेस उसका पूरा समर्थन करेगी। विक्रमादित्य सिंह ने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने नगर निगम शिमला के विकास को आगे नहीं बढ़ने दिया और अब रोस्टर और फर्जी वोटर बनाने के बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, बैठक सभी कार्यकर्ताओं के साथ की गई, खास करके मैं शिमला ग्रामीण का विधायक हूँ और यहाँ के हमारे 4 वार्ड जो है वो इसमें आते हैं। वहाँ के सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित थे, जो आवेदक है वो भी यहाँ पे उपस्थित है, जो भी अपना आवेदन देना चाहते हैं। तो हमने यही निवेदन किया है कि आने वाले समय में एक कमेटी का गठन किया गया है, जो कमेटी हमारी दोनों वार्डों के अंदर जाकर वहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ बात करेंगी, वहाँ के आम लोगों के साथ बात करेंगी और फिर एक रिपोर्ट जो है वो पार्टी को दी जाएगी और उसके बेसिस पे हमारी स्क्रीनिंग कमेटी ये निर्णय लेगी कि किसको पार्टी का टिकट देना है। और खास रूप से ये भी कहने के लिए कि पार्टी सिंबल के ऊपर चुनाव लड़े जा रहे हैं, इसलिए हमको डिसिप्लिन को भी मेंटेन करना है और जो ऑफिशियल कैंडिडेट पार्टी का होगा वही जो है उसी के लिए ही पूरी कांग्रेस पार्टी जो है वो कार्य करेगी। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन 13, 17 और 18 अप्रैल को दाखिल किए जाने हैं। 19 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 21 अप्रैल को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है।